नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है रोसला कोर्ट परिसर में। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग यानी कि मौजूद है। हमारे बगल में यहाँ से पटना से कुछ नेतागण आए हुए हैं जो अखिल भारतीय संघ यानी कि कुर्मी समाज के अध्यक्ष हैं, और भी उनके साथ कई सारे समर्थन लोग हैं जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आपने देखे हैं कि मैसूर चोर जो यानी कि कांकर और बिहार के बीच जो मैसूर चोर पड़ता है, जिस यानी कि 11 अगस्त लेकर 20 अगस्त के बीच यानी चार चार मर्डर हो गया था, उसी पे यहाँ पे है जो पटना से अध्यक्ष महोदय यहाँ पे पहुंचे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ जो समस्तीपुर जिला में बार बार इस तरह की घटना यानी देखने को मिल रहा है, इस पे क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है जानने का प्रयास करते हैं। सर प्रमुख सर, आपको स्वागत है। ये बिहार में कानून व्यवस्था नाम सरकार संपूर्ण अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि लोग दिन दहाड़े हत्या लूट अपहरण की घटना को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिसके साथ गठबंधन किया है राष्ट्रीय जनता दल वालों के साथ में, तो उनसे और उम्मीद क्या किया जा सकता है। क्योंकि इन लोग का जो संस्कार रहा है बिहार में जंगल राज कायम करना, उसी का एक नमूना है कि विगत 16 अगस्त को रोसला स्टेशन से लौटने के क्रम में नंदलाल राय, उनके पुत्र मिथिलेश राय और भतीजा लक्खी राय निर्मम तरीके से बिरहा गाँव में छेद कर हत्या कर दी जाती है। नंदलाल राय जी कहीं बाहर से कमा के आ रहे थे और अपना उनका जो बेटा है भतीजा है उनको रिसीव करने स्टेशन आया था, ले जा रहे थे लोग। दबंगों ने उनको घेर कर वहाँ हत्या कर दी, और हत्या करके जो चोर है कोई महेश्वर चोर है। उस चोर में लाश को फेंक दिया। दो दिन के बाद लाश बरामद हुई, तो प्रशासन के लोगों ने कहा कि डूब के मर गया। अरे भैया प्रशासन के लोग, आप जो है जंगल राज वालों के सामने किस तरह से आप लोग का जो है बंदर बन चुके हैं। भैया जब किसी को डूब के मरेगा तो गर्दन पर रस्सी का निशान कैसे होगा, हाथ में रस्सी का निशान कैसे होगा, देह पर चोट का निशान कैसे होगा। सामंतियों ने भीरहा गांव के सामंतियों ने जो है हमारे कुर्मी समाज के 3 लोगों की हत्या की। अब कुर्मी समाज बैठने वाला नहीं है। हम पूरे बिहार अखिल भारतीय कुर्मी शक्ति महासभा और कुर्मी समाज की ओर से इसका प्रतिकार करते हैं, और बिहार भर के कुर्मी समाज लोगों से कहना चाहते हैं कि इसका प्रतिकार कीजिए, समानताओं पर ईट सीख बजाने का काम कीजिए। और मुख्यमंत्री जी, आपके प्रशासन के लोग कहते हैं इसको लीपा पोती में करने में लगे हुए हैं कि डूब के मरा है। अगर एक हफ्ता के अंदर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा समस्तीपुर से लेकर पटना तक हंगामा मचा के रख देगी। हम लोग पटना में भी कार्यक्रम करेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, DGP से मिलेंगे, हम लोग पटना में भी धरना प्रदर्शन करेंगे, समस्तीपुर जिला मुख्यालय में भी करेंगे। लेकिन हम लोग समानताओं को खोलने वाले नहीं है। हम अपने परिवार को, जिन लोगों ने जान गंवाई है उसको न्याय दिलाकर हम रहेंगे, उसके परिवार के साथ हम लोग तन मन धन से साथ हैं। हम लोग कनेक्ट प्रशासन के द्वारा सर यानी कि आश्वासन मिला था कि यानी कि 3 दिन के बाद यानी कि उस अपराधियों को खोजा जाएगा, लेकिन यह घटना का 15 से 17 दिन अभी तक हो गया, लेकिन अभी तक वो व्यक्ति नहीं। प्रशासन को सब मालूम है। वो कहीं न कहीं जंगल राज के सुरमा के दबाव में होंगे, जिसके चलते वो खुलासा जान उनको सब खुलासा हो रहा है। सब जानते हैं कि हत्या किसने की, कब की, कैसे की, उनको सब जानकारी है। सिर्फ जो है छुपाने के हिसाब से नहीं कर रहे हैं बस। और इससे पहले भी आपने देखे थे संतोष पासवान जी यानी कि पंचायत समिति सदस्य, उनको भी इसी रास्ते मारा गया। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गया। मुख्यमंत्री बिल्कुल घुटना टेक दिए हैं जनता राजवालों के सामने, तेजस्वी के सामने। जब घुटना टेक दिए हैं तो बिहार को फिर से क्या है, 2005 से पहले वाला स्थिति चला गया है जहाँ लूट अपहरण डकैती मर्डर खुलियाम होता था, फिर खुलियाम हो रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री के पास अब क्षमता नहीं रह गया है उसको नियंत्रित करने की। थैंक यू सर। अपना चंद्र कुमार है, जिला अध्यक्ष दरभंगा अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्र महासभा। सर, अभी आपके समाज में इस तरह जो घटना घटा है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो मैसूर चोर में 4 मर्डर हुआ, इस तरह क्या राय है? हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को हमने सूचना दी इस घटना के विषय, प्रदेश अध्यक्ष ने जैसे ही सुने हम संज्ञान में लेने के काम किया, और आज देखिए आपके बीच है। और अगर न्याय अगर बहुत जल्द से जल्द अगर नहीं मिला तो हम लोग जैसे सर बता रहे थे तो समस्तीपुर से लेकर पटना तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके विषय जो करना है अधिक मर्डर हुआ है अभी जो सर इस तरह की घटना घटा है, यानी 4 मर्डर हो गया है मैसूर चोर में, और यानी राय परिवार के लोग रहते हैं उनके, आपका क्या राय है? इस तरह से जंगल राज नीतीश कुमार जी जो है सो जंगल राज के साथ साठगांठ कर लिए हैं। यह अब जो है सो अपने स्वजाति के लोगों को जहाँ तहाँ खुले में छोड़ दिया, तुम लोग मरो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो प्रधानमंत्री बनना है, तुम लोग मर जाओ, हमें अब तुम लोगों की चिंता नहीं है, तुम लोग कैसे जिएगा कैसे क्या करेगा तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब उनको जो है सो सिर्फ जंगल राज के सिवाय और कुछ नहीं दिखता। सर, आप लोग न्याय में क्या चाहते हैं? जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय में क्या चीज चाहते हैं? जैसे उसको यानी कि मर्डर कर दिया है, फांसी सजा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से उसे फांसी होना चाहिए, और उसके परिवार को जिनकी हत्या हुई, एक परिवार से तीन तीन हत्याएं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सरकार जो बिहार की है, वर्तमान सरकार, उनके समाज के लोग जो है मरे हैं, और आज तक सरकार के लोग एक भी लोग यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आए हैं। हम लोग निश्चित रूप से न्याय दिलाने के लिए HOD एक करके हम लोग न्याय पीड़ित परिवार को दिलाएंगे। देवव्रत कुशवाहा, जिला अध्यक्ष, हम लोग समझ पाएंगे।
गरीब परिवार को सलाम मारता है और उसका घर से तीन दिन चिराग बुझ गया है, उसको खिलाने वाला कौन है? कोई नहीं है।